नूह कांग्रेस विधायक आफताब अहमद ने घोषणा करते हुए कहा है कि आगामी 1 नवंबर से वो नूह के सतपुतिया का हुसैनपुर गांव से नशा मुक्त समाज कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसका मकसद युवा वर्ग को जागरूक करना है। हर गांव गांव जाकर लोगों को जागरूक करेंगे। सभी सामाजिक लोगों, बुद्धिजीवी वर्ग, युवाओं, शिक्षकों, डॉक्टरों, मौजूद लोगों, प्रशासन का सहयोग लिया जाएगा। राजनीतिक से हटकर अपने सामाजिक दायित्वों को निभाने का काम करेंगे, क्योंकि नशा न केवल इस इलाके में बल्कि देश के ज्यादातर हिस्सों में तेजी से बढ़ रहा है, उसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि इस कार्यक्रम के लिए उन्होंने 2 दिन पहले चंडीगढ़ में मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम की निदेशक डॉक्टर वीना सिंह से मुलाकात की थी। उन्होंने हर संभव सहयोग की बात कही। मेवात जिले के SP नरेंद्र सिंह बिजारनिया, IPS हसन खान मेडिकल कॉलेज के निदेशक डॉक्टर संगीता कालिया हर सहयोग का आश्वासन दिया। उड़ता पंजाब की तर्ज पर हरियाणा में भी नशा तेजी से पैर पसार रहा है। युवा पीढ़ी नशे की दलदल में तेजी से धंसता जा रहा है। शराब, नशे की गोली, सिरप, इंजेक्शन, गांजा इत्यादि पदार्थ की बिक्री तेजी से बढ़ी है। अब देखना यह है कि विधायक आफताब अहमद की इस मुहिम को जनता का कितना समर्थन मिल पाता है। आप देख रहे हैं नूह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। आपके साथियों के माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि हरियाणा में ये विषय काफी विधानसभा में भी उठा है, हमारे संज्ञान में लिया गया है और हमने महसूस किया है कि ये अगर हम नहीं संभले तो ये हमारा भविष्य, हमारा नौजवान, उसका भविष्य अंधकार में होगा। और इसीलिए हमने अपने साथियों से सलाह करके नशा मुक्ति समाज के नाम से एक अभियान की शुरुआत 21 तारीख को शनिवार को सुबह 10 बजे सतपुतिया के हुसैनपुर से हमने शुरू करी है। और हम इसी में अपने नौजवानों से, अपने समाज से, अपने बुद्धिजीवी, अपने समाज के सभी वर्गों से, उनसे हम समर्थन और उनसे अपना सहयोग मांग रहे हैं कि इस नशा मुक्ति से निजात दिलाने के लिए आप सब लोग आगे आएं और आने वाली हमारी पीढ़ी है उसको हम सही रास्ता दिखा सकें, उसके लिए अभियान चलाएंगे। उसमें हम हरियाणा सरकार, केंद्र सरकार, हम चिकित्सकों, हम जो भी जो हो सकेगा उनसे मदद भी लेंगे, लेकिन हम ज़रूर प्रयास करेंगे कि हमारा नौजवान जो है वो नशे के चक्कर में अपनी ज़िंदगी खराब ना करे। अपनी नहीं, पूरे परिवार को ही उससे नुकसान पहुंचता है, तो हम सबके सहयोग भी प्रेषित करेंगे इसमें। और सब ये अभियान गांव-गांव चलाया जाएगा और हम नौजवानों से आह्वान करेंगे, जब तक आपके गाँव में एक भी नशा करने वाला रहेगा, जब तक आप मेहनत करते रहिए। और इस चीज़ के लिए सभी समाज के सभी लोगों को जोड़ने का भी हम काम करेंगे और हम इसको जब तक इसका पूरी तरीके से नतीजे सामने सकारात्मक नहीं आ जाए जब तक इस अभियान को चलाएंगे। कि यहाँ जो है मादक पदार्थों का, दवाइयों के माध्यम से और नशीली चीज़ें पदार्थों का उनका है, उसके लिए सरकार से, हमारी हरियाणा सरकार से बात हुई है। बहुत जल्दी इस इलाके का विशेष तौर पर एक डाटा भी, एक सर्वे भी करवाया जाएगा और हम उस जिस तरह का नशा होगा उसके लिए जो भी चाहे उसके लिए डी एडिक्शन केंद्र खोलने की बात है, चिकित्सक, मनोवैज्ञानिक या काउंसलिंग की जरूरत है, उसमें सब तरीके के हम कदम उठाएंगे। हम अपने नौजवान को जो है हम उनको आह्वान करेंगे कि वो हमारी इस मुहिम में और अपने आप चलाएं इस मुहिम को। ये किसी राजनीतिक उद्देश्य से नहीं है, सामाजिक उद्देश्य से, जो हमारा दायित्व है जिससे समाज को हम सुधार पैदा